सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो, आई होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2024 न्यू टीवीएस जुपिटर, जिसके बारे में आज अपन कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि इसमें अपने को क्या क्या चीज मिलने वाली है एंड इसमें फीचर्स क्या होने वाले हैं एंड इसकी ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है। तो कम्प्लीटली अपन इस वीडियो में जानेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आपको जल्दी पता लग जाए। तो दोस्तों ये रहने वाला है 2024 का न्यू जुपिटर, जिसके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये रहने वाला है सेकंड टॉप मॉडल, जिसका कलर है गाइस कॉपर मैट। ये आपको पूरा मैट फिनिशिंग में मिलेगा कलर। एंड अब बात करते हैं इसके चाबी की। तो चाबी गाइस आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जिसकी शेप कुछ इस तरीके की होने वाली है, चेक कर सकते हो आप। चाबी में गाइस आपको मिलेगा टीवीएस की बेजिंग का लोगो। एंड अब बात करते हैं गाइस इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक आपको देखने को मिल रहा है कितना अच्छा है एंड पूरी स्कूटी को जुपिटर को चेंज कर दिया है कंपेयर टू पहले वाली से। सो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल हेड की। तो हेड में गाइस आपको यहाँ मिलने वाला है ब्लैक पियानो फिनिशिंग, इसमें आपको मिल जाएगा स्मार्ट एक्स कनेक्शन और कुछ हेडलाइट आपकी ऐसे रहने वाली है, जिसमें आपको LED हेडलैम्प मिलने वाली है। यहाँ आपको मिल जाएगा TVS की बेजिंग एंड लाइट में थोड़े कट्स भी मिल जाएंगे, जिससे इसका जो लुक है जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। हेड में यहाँ आपको कट्स मिल जाएंगे और गाइस इधर भी कट्स मिलने वाले हैं, जिससे हेड थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ आपको साइड मिरर मिलने वाले हैं दोनों, और साइड मिरर गाइस आपको इसमें नॉर्मल मिलने वाले हैं। यहाँ आपको TVS की बेजिंग मिलने वाली है। नीचे बात करें तो नीचे गाइस यहाँ आपको मिल जाएगा TVS का क्रोम लोगो। यहाँ आपको थोड़ा सा कट्स मिलने वाले इस पे, जिससे इसकी जो लुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। और सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि इसमें आपको मिलने वाली है कनेक्टेड लाइट्स। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिकेटर्स आपको कहीं नहीं दिखने वाले, क्योंकि भाई साहब इंडिकेटर ऐसी जगह छिपाए गए हैं जो कि नॉर्मली दिखने वाले नहीं है। तो दोस्तों आपको इसमें मिलने वाले हैं इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, जो कि एक यहाँ रहने वाला है एक यहाँ रहने वाला है। आगे आपको जला के एंड दिखाऊंगा कि भाई कैसे है, लुक आता है इंडिकेटर जब इसमें जलते हैं। और यहाँ आपको मिलने वाली है पियानो ब्लैक फिनिशिंग, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। यह आपको मिलने वाला मडगार्ड, जो कि मेटल मटेरियल का है। यहाँ आपको मिल जाएगा फाइबर मटेरियल। और गाइस ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, जो कि एसेसरीज में आता है। यहाँ आपको मिलने वाली है TVS आइगो असिस्ट, इसके बारे में अपन अभी आगे बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल फ्रंट में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कि इसके लुक्स को बड़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है एंड जुपिटर पहले वाली जुपिटर नहीं रही है, क्योंकि भाई पूरा ही चेंज कर दिया इस गाड़ी को। अब अपन बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं एंड साइड प्रोफाइल में अपने को क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ अभी एक्सप्लोर करते हैं। तो पीछे गाइस आपको मिलने वाली है जुपिटर की बेजिंग, जो कि क्रोम में मिलेगी। यहाँ आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ कट्स की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो अट्रैक्शन है वो इन्हेंस हो रहा है। यहाँ आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलने वाला है, ये भी प्लास्टिक मिलने वाला है एंड ये भी प्लास्टिक मिलने वाला है। और नीचे गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसे मिलने वाला है, जो कि डुअल टोन में है, यहाँ ब्लैक एंड या कॉपर मैट कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है इधर। और अब बात करते हैं इस साइड की। तो दोस्तों इस साइड में भी सेम उसी साइड की तरह मिलने वाला है। इधर आपको गाइस वही जुपिटर की वेजिंग मिलने वाली है क्रोम में, वही सारे कट्स मिलने वाले हैं। और थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, सेम उसी तरह इधर भी वही वाली चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए अब अपन चलते इसकी रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल तो भाई क्या ही लग्जरी लग रही है। थोड़ा गाइस स्पेस की प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, अभी अपन पूरा एक्सप्लोर करेंगे इसको। तो यहाँ गाइस आपको मिलने वाली है TVS की वही बेजिंग, जो कि क्रोम में मिलने वाली है। यहाँ आपको मिल जाएगी ब्लैक पियानो फिनिशिंग, और ये आपका बैक रेस्ट है, ये भी ब्लैक पियानो फिनिशिंग में मिलने वाला है। ये आपकी एसेसरीज पार्ट रहने वाला है। नीचे आपको रियर लाइट कुछ ऐसे दिखने की वाली है, जो कि पूरी कनेक्टेड रहने वाली है। इंडिकेटर गाइस इसमें इंटीग्रेटेड होने वाले हैं, जो कि आगे जैसे लाइट में है वैसे ही पीछे रहने वाले हैं। पीछे आपको ये मडगार्ड मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल का है। यहाँ आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। तो ओवरऑल मैंने पूरी गाड़ी को आपको एक्सप्लोर करा दिया है, आगे से पीछे से एंड लेफ्ट से, चारों तरफ से मैंने आपको इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करा दिया है। अब इसके बात करेंगे अपन इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की। तो चलिए इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करते हैं। तो पहले चाबी ऑन कर लेते हैं अपन, और कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखने वाला, जो कि बहुत ही अच्छा है, एक कार की तरह बना दिया गया। आपको ये पूरा मीटर, डिजिटल मीटर मिलने वाला है। इसमें ट्रिप
ऑडो एंड टेकोमीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ आपको डिजिटल मिलने वाला है। तो गाइस आपको मैं बता दूं, एक बार बंद करके ऑन करके दिखाता हूं जिससे सारे अलर्ट अपने को आ जाए। तो यहां पर टर्न इंडिकेटर्स की वार्निंग मिलने वाली है, हाई बीम लो बीम मिलने वाला है, इंजन लाइट भी मिलने वाली है। और यहां गाइस आपको क्लॉक मिल जाएगी, ये नीचे दिखा रहा है बेल मोड, तो इसमें आपको ऑडोमीटर टेकोमीटर एंड ट्रिप मीटर सारे डिजिटल मिलने वाले हैं। यहाँ चेक करना गाइस, नीचे ये आ रहा है ऑडोमीटर और ये आपका आ गया ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी और ऑडोमीटर वापस आ गया। यहाँ आपको फ्यूल वार्निंग मिल जाएगी, ये आपका किलोमीटर दिखा रहा है और ये आपकी रेंज है कि भाई कितने फ्यूल में कितने किलोमीटर चल सकती है। ये आपकी स्पीडोमीटर है एंड गाइस ये आपका स्टैंड वार्निंग मिल जाएगा, इको पे भी और क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। ये आपको इग्निशन असिस्ट मिल जाएगा, ये आपको वार्निंग मिलने वाली है। और गाइस इसमें काफ़ी और ज़्यादा फीचर्स है जिसमें आपको कॉल अलर्ट मिल जाएंगे, नेविगेशन मिल जाएगा एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ भी मिलने वाली है। यहाँ आपको मिल जाएगा हाई बीम लो बीम, यह आपको मिल जाएंगे दोनों टर्न इंडिकेटर्स। एंड गाइस इसमें एक इतना अच्छा फीचर्स आया कि आप इसको 3 से 5 सेकेंड होल्ड करोगे, प्रेस करके रखोगे तो आपके हैजार्ड्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा हॉर्न बटन और ये आपको मिलने वाला है इग्निशन असिस्ट। इसका मतलब ये गाइस कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो 5 से 6 सेकंड बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक दबाना एंड थोड़ा एक्सेलरेट करने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मिलने वाला आपको वॉइस असिस्ट एंड सेल्फ। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको इसकी DRL लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स के थोड़े लुक्स दिखा देता हूँ। तो अपन पहले टर्न इंडिकेटर्स के लुक्स देखेंगे, तो लुक्स आपको कुछ इस तरीके के दिखने वाले हैं। DRL लाइट आपको कनेक्टेड मिलने वाली है विथ टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके हैजार्ड की, तो अपन हैजार्ड भी इसको होल्ड करेंगे, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे 3 से 5 सेकंड, तो इसके ऑटोमेटिक हैजार्ड ऑन हो जाएंगे। तो चलिए एक बार हैजार्ड भी देख लेते हैं। तो भाई क्या ही लुक आ रहा है, बड़ा ही कातिल लुक दे रही है, एकदम गाड़ी की तरह फील करा रही है थोड़ा आगे से। एंड पीछे वाली लाइट भी आपको मैं दिखा दूँ, तो पीछे वाली लाइट चेक करना, ये चेक करो पीछे वाली लाइट भी सेम आगे वाली की तरह कनेक्टेड है। टर्न इंडिकेटर वही इसमें इंटीग्रेटेड है, टेल लाइट आपको LED मिलने वाली है इंडिकेटर्स के साथ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इसके की स्लॉट की, तो की स्लॉट गाइस कुछ आपको इस तरीके का मिलने वाला जो कि नॉर्मली आता है। यहाँ आपको इसमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई फ्यूल टैंक कैसे ओपन होता है एंड बूट स्पेस कैसे ओपन होता है। तो एक बार करते हैं अपन इसको ओपन, तो गाइस इसको प्रेस करके थोड़ा इधर घुमाएंगे तो आपका खुल जाएगा एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग टैंक, और इसको थोड़ा इधर घुमाएंगे तो आपकी खुल जाएगी बूट स्पेस, ये चेक करो। और गाइस बूट स्पेस की बात करें अपन, तो आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसमें गाइस आप अपने किराने का सामान पूरा रख सकते हो एंड दो हेलमेट भी रख सकते हो। पीछे आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है बूट लाइट का, अगर आप बूट लाइट लगवाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगवा सकते हो, ये एसेसरीज का पार्ट है। और सीट कुछ इस तरीके की दिखने वाली है आपको। बूट स्पेस गाइस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो कि किसी भी स्कूटी में इतना ज़्यादा बूट स्पेस नहीं है, इसमें 33 लीटर का बूट स्पेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। चलो अब इसको बंद करते हैं एंड बात करते हैं अपन इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की। तो आपको ये मिलने वाला है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग टैंक, जो कि गाइस आपको 5.1 लीटर का मिलने वाला है। तो लेग स्पेस की बात करें, तो लेग स्पेस आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। अभी अपन बैठ के देखते हैं, कंफर्टेबली फील करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लेग स्पेस मिलने वाला है, जिसमें अपन स्टीयरिंग इधर भी घुमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी घुमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितना भी मोटा आदमी बैठ जाए सबके लिए कंफर्टेबली रहेगी। अब बात करते हैं गाइस इसके हुक की, तो आपको कैरी हुक यहाँ मिलने वाला है, जो कि सिंगल कैरी हुक मिलने वाला है और ये आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप में। और इसमें भी गाइस अलग डिज़ाइन है, इसमें भी थोड़े बहुत कट्स दिए गए हैं। बात करते हैं इसके इधर वाले कैरी हुक, भाई इधर कैरी हुक बंद हो गया, इधर कैरी हुक नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सिंगल ठीक है। और वैसे बूट स्पेस इसमें काफ़ी दे दिया गया है, तो कैरी हुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको टैंक में मिलने वाली है TVS की बेजिंग E20 और यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा पुश एंड लॉक। यहाँ आपको मिल जाता है गाइस ग्लोव बॉक्स, जिसमें आप चार्जर वगैरह कर सकते हो अपने फ़ोन को। यहाँ मिलने वाला है चार्जर, ये चेक करो, यहाँ आपको मिल जाएगा USB चार्जर एंड ये मिलने वाला आपको ग्लोव बॉक्स, जिसमें आप इजीली बोतल वगैरह फ़ोन वगैरह एंड छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो। ये मिलने वाले हैं गाइस आपको पैसेंजर फुट रेस्ट, और ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, जो कि इसमें नहीं मिलने वाला है, ये आपको एसेसरीज में मिलने वाला है। इधर भी गाइस आपको मिलने वाला है पैसेंजर फुट रेस्ट, दोनों तरफ आपको फुट रेस्ट मिलने वाले हैं। और गाइस लेग बोर्ड आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, ये इन्होंने हाँ ठीक है, ये लेग बोर्ड है गाइस पूरा कम्प्लीटली, ये आपको प्लास्टिक मटेरियल में मिलने वाला है। इस पर आपको गाइस थोड़ी बहुत डिज़ाइन मिल जाएगी, जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव बना रही है लेग बोर्ड को। तो गाइस अब अपन इसके स्टार्टर की बात करते, तो स्टार्टर गाइस आपको सेल्फ एंड किक दोनों मिलने वाले हैं, यहाँ मिलने वाला है किक।
और गाइस स्टैंड की बात करें तो स्टैंड भी आपको दोनों मिलने वाले हैं, मैन स्टैंड एंड सिंगल स्टैंड दोनों आपको इसमें मिलने वाले हैं। सीट की बात करें गाइस तो सीट आपको मिलने वाली है डबल टोन में, जिसमें आपको मिलेगा ब्लैक एंड ग्रे कलर। यहाँ मिलने वाली है आपको जुपिटर की थोड़ी बेसिक, और टेक्सचर में आपको ये सीट मिलने वाली है कुशनिंग सीट की, बड़ी प्यारी है, कंफर्टेबल है, अगर बंदा बैठेगा तो इसमें उसको थकान नहीं हो पाएगी। यहाँ मिलने वाला आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में बैक रेस्ट। तो भाइयों अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो गाइस आपको जो इसकी विड्थ है, विड्थ आपको मिलने वाली है 665 mm, एंड गाइस ओवरऑल इसकी लेंथ की बात करें तो आपको 1048 mm इसकी ओवरऑल लेंथ मिलने वाली है। और गाइस हाइट की बात करें तो हाइट आपको मिलने वाली इसकी 1158 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला 163 mm। व्हील बेस की बात करें तो आपको मिलने वाला 1275 mm। सो दोस्तों फाइनली अब अपन इसके इंजन की बात करते हैं। तो गाइस इंजन आपको मिलने वाला है 110 cc का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूलेट के साथ। माइलेज की बात करते हैं तो गाइस माइलेज आपको ये 40 प्लस देने वाली है। अब अपन इसकी पावर की बात करते हैं तो गाइस मैक्सिमम पावर ये आपको 8.2 PS 6500 RPM पे जनरेट करके देती है। और टॉर्क की बात करें तो गाइस मैक्सिमम टॉर्क गाइस आपको ये 9.8 Nm 5000 RPM पर जनरेट करके देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ब्रेकिंग सिस्टम गाइस आपको आगे वाले टायर में भी ड्रम मिलने वाला है, एंड ऑल्सो पीछे वाले टायर में भी ड्रम मिलने वाला है। और बात करते हैं गाइस इसके सस्पेंशन की। तो गाइस आपको फ्रंट में गाइस आपको मिलने वाले हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ रिफ्लेक्टर, ये गाइस रिफ्लेक्टर आपको इधर भी मिलने वाला है। बैक की बात करें तो गाइस बैक में आपको मिलने वाले हैं 3 स्टेप एडजस्टमेंट सस्पेंशन। सो दोस्तों बात करते हैं अब अपन इसके व्हील की। तो व्हील गाइस आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलने वाले हैं एलॉय व्हील 12 इंची के। एंड टायर की बात करें तो गाइस टायर आपको मिलने वाला है 90-90-12 का टायर मिलने वाला है, और टायर की ग्रिप कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। टायर आपको गाइस दोनों तरफ मिलने वाले हैं ट्यूबलेस आगे एंड पीछे। एक बार पीछे का भी आपको मैं एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो पीछे आप चेक करिए, वही व्हील मिलने वाला है पीछे भी, एंड टायर ग्रिप भी वही मिलने वाली है। 90-90-12 का आपको ये व्हील मिलने वाला है जो कि ट्यूबलेस रहने वाला है। यहाँ इंजन में आपको मिल जाएगी TVS की बैजिंग, एंड कुछ इस तरीके का आपको इंजन मिलने वाला है। तो गाइस फाइनली मैंने पूरी स्कूटी आपको एक्सप्लोर करा दी है, एक एक पॉइंट के बारे में मैंने सब कुछ कम्प्लीटली आपको बता दिया है। एंड अब आप देखो आपको कौन सी स्कूटी लेनी है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है, एंड आप कॉन्टेक्ट करके आप कम्प्लीटली इसके बारे में जान सकते हैं। एंड साइड प्रोफाइल आपको मैंने पूरी एक्सप्लोर करा ही दी है, रियर भी आपको पता चली गया होगा रियर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, एंड इधर वाली प्रोफाइल में भी आपको क्या क्या दिखने वाली चीजें सारी कम्प्लीट मैंने आपको इसमें एक्सप्लोर करा दी है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड टॉप मॉडल रहने वाला है, और इसकी प्राइसिंग गाइस रहने वाली है 1,06,000 के अप्रोक्स। एंड कम्प्लीटली आपने इस वीडियो में देख लिया होगा बाकी इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, इसका माइलेज क्या रहने वाला है, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, ऐसा कि भाई इसमें बताने लायक नहीं हो, कम्प्लीटली मैंने बता दिया है। सो गाइस अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आपको जल्दी पता लग जाए। तो ओके गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।